नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय पंचखा, जय श्री अच्युत। तो फिर हमारी टीम आके यहाँ पे पहुंच चुका है मालेगांव के बहुत ही चर्चित स्थान, बहुत ही विशेष स्थान, बहुत ही प्रसिद्ध स्थान अच्युतानंद गादी पर हम आके यहाँ पे पहुंच चुके हैं। सीधा ये जो है कटक जिला के अंतर्गत निश्चिंत कोयल के ब्लॉक के अंतर्गत यह है नेमालपीठ। नेमालपीठ में जो कि पंचसखा उड़ीसा के जो पांच महान संत हैं उनमें से श्रेष्ठ हैं संत अच्युतानंद दास जी। संत अच्युतानंद दास जी की गादी पर हम पहुंच चुके हैं, तो क्या होगा आने वाले पल में, आने वाले समय में क्या कुछ होगा और यहाँ पे क्या संकेत मिलेगा मालिका में, जो भविष्य मालिका में खासकर संत अच्युतानंद दास ने लिखे हैं 185,000 ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं, तो उसमें से 318 ग्रंथ जो है भविष्य के ऊपर उन्होंने लिखे हैं, भविष्य के बारे में, आने वाले समय में कलयुग के अंतिम कालखंड में क्या कुछ होने वाला है और क्या कुछ संकेत मिलेगा। तो इसमें से एक संकेत उन्होंने लिखे हैं, जब उनका ये वट वृक्ष का जो शाखा जब वो गादी छुएगा तब कलयुग के अंतिम चरण का संकेत मिलेगा। और इसके साथ साथ ये भी लिखा है कि यहाँ पे एक प्रलय भी आएगा, तीन स्तर में होगा प्रलय, जो एक प्रलय आएगा वहाँ पे जल प्रलय भी होगा। चित्र बगल में है चित्रोत्पला की नदी, तो नदी का पानी जो है अंदर यहाँ तक, यहाँ गादी तक भी आ पहुंचेगा। तो और भी क्या कुछ होगा आने वाले समय में, क्या कुछ होगा संकेत, हमारे पास हमारे साथ जुड़े हैं मालिका के रिसर्चर और जगन्नाथ कथा संस्कृति के महाप्रसारक कान्हू बाबा जी। बाबा जी आपका स्वागत है। जय जगन्नाथ, जय पंच। तो बाबा जी बताइए, मतलब हमारे जो हिंदीवासी लोग हैं वो जाना चाहते हैं आने वाले समय में क्या होगा, क्या प्रमाण मिलेगा और क्या संकेत मिलेगा इस पीठ से। अभी तक जो महापुरुष लिखा है 318 भविष्य ग्रंथ में, भविष्य मालिका में लिखा है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट में क्या होगा, पास्ट में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, सब चल रहा है, होगा। अब जो फेदा हुआ युग में सत्य त्रत्य अनंत और कली, कली युग में अनंत कली आएगा, सत्य त्रत्य में आएगा, सत्य में द्वापर आएगा, घोर कली अभी चल रहा है। तीनों संकट आएगा, एक माया युद्ध, दूसरा कया युद्ध, तीसरा विश्व युद्ध। माया युद्ध, कया युद्ध और विश्व युद्ध, क्या बात। ये तीनों युद्ध के बारे में महापुरुष लिखा है, क्या लिखा है उड़ीसा में, हाँ उड़िया में बताइए, फिर हम हिंदी में इसको समझाएंगे। महापुरुष अच्युतानंद जी लिखा है माया युद्ध, माया घर्षण बल रे नित्य आरंभिबे लीला करुथिबे बसी घुरी श्रवा जही पाग भिड़ुथिब कली हेब घसी घसी। से घुरी श्रवा का बारे में लिखा है, जो 17 दिन जो महाभारत युद्ध 18 दिन 17 दिन ओलिया, एक ओलिया जो बाकी है, एक जो युद्ध चरण का युद्ध जो है बाकी था, बाकी कलयुग के अंतिम कालखंड में संपूर्ण होगा। एक योद्धा का नाम लिखा है भूरिश्रवा, वो भूरिश्रवा का देश का नाम है चाइना, ये अभी जो चीन है। ये माया युद्ध होगा, फिलहाल में पड़ेगा महापुरुष रत्न लिखा है, एक माया युद्ध, एक काया युद्ध, एक विश्व युद्ध। काया कौन है, काया के शरीर है, कैसा शरीर है, कल्कि का शरीर है, कल्कि कौन है, वो जगन्नाथ महाप्रभु कल्कि है, और जगन्नाथ महाप्रभु का कल्कि शरीर पांच भाग होता है, खीत आप तेज व्यम मरु पंचभूत, पंचभूतों को खंडने के बाद पंच आत्मा असुत अनंत यशवंत बलराम जगन्नाथ विश्वनंद। आम जो पर क्षेत्र पर बैठा है, क्षेत्र पर खड़े है, वो क्षेत्र का नाम है अच्युतानंद का पद्म वन। ये पद्म वन ब्रह्मा जी का वन है, ब्रह्मा जी एक पुष्प ले एक टीका दिया और ध्यान कर रहा है, वो इसका नाम है पद्म वन। दूसरा महालक्ष्मी एक पद्म फीका दिया, वो पेड़ गया यहाँ से फीका दिया, वो दूसरा है, तो पद्म का पाखुड़ा है, 16 है, 20 है, 1000 है, 108 भी है, किंतु यहाँ पर अष्टदल पद्म है। अष्टदल पद्म में महालक्ष्मी विराजमान कर रहा है, यहाँ जो पद्म वन है महापुरुष अच्युतानंद 185,000 ग्रंथ में लिखा है, भारत में एक धर्म रहेगा वो जगन्नाथ महाप्रभु का सनातन धर्म रहेगा, 111 देश मानेगा वो पंचसखा ग्रंथों को। पंचसखा का जो लिखा है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर जो 318 ग्रंथ लिखा है, इन 318 ग्रंथ में मृत्युसंहार होगा, वो प्रलय छह लागू पड़ेगा।
अग्नि दाहक शक्ति बहुत प्रभु करे हरण परमाणु बोमा जा लगे गाड़ी ना शीतल हो जाए जाना ओडिया महाप्रभु लिखते ये इलेक्ट्रो न्यूट्रन पावर अच्छी मिश्राल जो अच्छी केमिकाल अस्त्र बर्तन चलो क्योंकि काया युद्ध ये काया युद्ध पर कौन हम ना मेक्ष मानक बारिणी हम पावरफुल जो वेपन्स बनाए हैं तो वो जो है सबका विनाश हो जाएगा। एक धर्म रहेगा जगन्नाथ धर्म रहेगा, एक कर्म रहेगा पंचसखा मार्ग रहेगा। पंचसखा का वाणी सबको मानने पड़ेगा, पंचसखा का शरण को सो शरणागति हो जाओ ये सनातन धर्म के बारे में लिखा है। क्योंकि मालिका में ये भी लिखा है कि 111 देश पूरे विश्व में जितने भी देश हैं पूरा उसमें से 111 देश जो है सनातन धर्म को मान्यता देंगे और मालिका को भी वहां से मान्यता मिलेगा कि पंचसखाओं ने पूछा कि जो पांच महान संतों ने भविष्य के बारे में जो कुछ भी लिखे थे बिल्कुल कॉमा पुलिस के साथ वो जो है सत्य में आज रूपांतरित हो रहा है। तो फिर हम यहाँ पे पहुंच गए हैं जिसमें ओडिया में हम कहते हैं बर ओहड़ो छुईब गादी अब मिली युग शेषर संकेत। तबे बरगद का ये जो शाखा है ये गादी ऑलरेडी ये टच कर चुका है, अब जो है युग परिवर्तन का संकेत भी मिल चुका है। तो इसके बारे में और भी सभी से इसमें जानकारी हम आइए हम सुनते हैं कान्हू बाबा से। बाबा जी ये बताइए कि यहाँ पे जो लिखा है कि अष्ट गुजरी और जो है नव गुजरी ये क्या है? सब जिज्ञा के मंत्र है, सत्य में नृसिंह मंत्र है, त्रेता में राम तारक मंत्र है, द्वापर में ब्रह्म तारक मंत्र है, कलि में ब्रह्म एकाक्षर मंत्र है। जो महापुरुष अच्युतानंद जी ना ब्रह्म एकाक्षर मंत्र को सिद्धि कर लाए, चार ही युगों का सबसे पायर मंत्र है वो जो अष्टगुजर है। अच्छा। जो गुहे में पाठ करेगा। अच्छा। वो अमोघ अस्त्र है। अच्छा। बिना मतलब आप गृहस्थ होते भी आप उसके पाठ को पाठ करेगा तो आपका मंगल हो जाएगा। अच्छा। तो विष्ट खंडन हो जाएगा। वहाँ पे थोड़ा चलता है, मैं कैमरा पर्सन बोलता हूँ, सीधा फॉलो कीजिए। वहाँ पे लिखा गया है अष्टभुजा की पहला जो पंक्ति है मैं आपको पढ़ के ये सुना देता हूँ। यहाँ पे लिखा है कि भव विनोदिया ठाकुर भक्त वत्सल हरि भगत पाई पड़े बर दस मूर्ति धरे। ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 8 यहाँ पे जो पंक्तियाँ ये लिखा गया है इसका नाम है अष्ट गुजरी और इसी तरह नव गुजरी भी है। तो बाबा जी का मानना है ये पाठ करने से आपके घर में शांति स्थापना होगा, शांति प्रतिष्ठा होगा। तो फिर आइए बाबा जी सुनते हैं और इस पीठ में क्या क्या। बाबा जी ये बताइए कि इसको पाठ करने में और क्या क्या फायदा होगा, लाभ क्या क्या होगा? परिवार को शांति मिलेगा जी, गुहे में आनंद आ जाएगा जी, आपका धन लाभ होगा, धन लाभ होगा, निष्ठ खंडन होगा, पीस ऑफ टेक्नोलॉजी पीस ऑफ माइंड आपका आनंद लगेगा। वो यहाँ पर अमोघ अस्त्र है। अच्छा। जिसमें भगवान शंकर के पास है क्या अस्त्र है, त्रिशूल है ना। हाँ। त्रिशूल का काम क्या है, संहार करने के लिए काम है। वो जो अष्टगोचरी है अमोघ अस्त्र ये क्या करेगा, आपका पाप को फैलाएगा, पाप का विनाश करेगा, आपको आनंद देगा। वो अमोघ अस्त्र है, इसको पाठ करेगा तो शांति मिलेगा, भाई बहन का शांति मिलेगा, स्वामी स्त्री का शांति मिलेगा, सबका जो है निवारण यहाँ पे हो जाएगा। तो आइए हम पीठ के परिक्रमा भी कर रहे हैं। तो फिर तो बाबा जी ये बताइए कि मतलब एक समय यह था पंच सखाओं के द्वारा जो बहुत सारे जो पवित्र मालिका ग्रंथ लिखा गया है वो केवल केवल उड़ीसा में सीमित था, मठों के जो महंत है उन तक सीमित था, लेकिन आज समय जो है थोड़ा बदल चुका है और ये जो है भविष्य मालिका जो है अब समग्र राष्ट्रीय स्तर पर और विश्व पटल पर भी पहुंच चुका है। वो लिखा है वो पहुंच जाएगा जब अनंत युग आएगा। जो वर्ण देखो यहाँ पे बरगाल है। हाँ देखिए ये जो है ये बरगद का पेड़ है। तो वो समय जब आएगा लिखा गया है पंचसखा ग्रंथ से खुलने जाएगा जी जी खुलने जाएगा सीधा सीधा करेगा सीधा सीधा। आप ये देखिए जब वालिकम लिखा गया है कि बरगद का पेड़ जब गाड़ी से होगा तब जो है युग के अंतिम समय का संकेत मिलेगा और ये लगभग हो चुका है। तो फिर मतलब बाबा जी बताइए कि यहाँ पे ऐसे क्या है जो भक्तों की ये केंद्र बिंदु जो है बन चुका है, लाखों की संख्या में हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे आते हैं, भक्त यहाँ पे आते हैं। जो जगन्नाथ महाप्रभु जी ना जी इसका वो सखा है अच्युत गोलकनाथ साक्षात विष्णु स्वरूप कम कलिग देवी हर चौथा है लिखा है। ये भगवान का भक्त है वो सिद्ध भक्त है। ये ग्रंथ 111 दशम पहुंच जाएगा
जिसमें युग युग कर्म आ गया, अनंत युग चलेगा, राम मंदिर प्रतिष्ठा होगा, सरोज में अयोध्या में जो राम मंदिर प्रतिष्ठा होगा वो भी लिखा है, और जो होगा महापुरुष ग्रंथ सबसे आदरे का अंतर्गत स्तर में देश में इसको पसंद करो, जो ग्रंथ में क्या लिखा है, युगों की गीता क्या है, वैष्णव गीता क्या है, क्या है नवगुजर, क्या है ब्रह्म पटल, क्या है ब्रह्म गीता, क्या है ब्रह्म गीता, क्या है ये श्रीमद भगवद गीता, विश्व में अहिंसा परम धर्म श्रीमद भगवद गीता को भगवान कृष्ण बात करा कहा से किसका उपात अर्जुन की, वो भगवान अच्युतानंद अठोस्तरी गीता में लिखा है, वो ये गीता है गुरु भक्ति गीता, वो गुरु भक्ति गीता जो पढ़ेगा वो आनंद पाएगा, गुरु को सेवा शिक्षा गुरु को बाबा जी ये बताइए कि जैसे मैं बताया कि यहाँ पे जो बकुल का पेड़ है और उसको ऐसे निकला हुआ है ये बकुल का पेड़, और यहाँ पे ये मान्यता है कि भक्त जो है यहाँ आते हैं और अपने जो है कि जो परिक्रमा परिक्रमा करते हैं तो उसमें जो है उनका मनसा जो है खुद, तो ये बताइए कि विदेशी तक को ये पता कैसे चला, तो विदेशी लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके उन्हीं पर क्या करते हैं, लोगों से पूछताछ करते हैं, यहाँ के बाबाओं से भी बात करते हैं, और वो ये भी पूछते हैं कि शून्य संहिता उसके बारे में भी वो मतलब पूछताछ करते हैं, वो भी उसके पीछे शून्य संहिता ग्रंथ में सब कुछ सामना कैसा करना होगा, ब्रह्म विद्या भगवान का जो यंत्र है ब्रह्म यंत्र है, ब्रह्म यंत्र की विद्या यहाँ में लिखा है, वो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में क्या होगा वो ग्रंथ में लिखा है, वो ग्रंथ में कैसा कैसा भक्त कहाँ पर जन्म लिया हुआ किसी किसी स्थान में लिखा है वो भी लिखा है, वो युद्ध प्रलय में ऐसे क्या होगा, युद्ध के कारण में ऐसे क्या होगा वो भी लिखा है, जो शून्य संहिता से जो पढ़ेगा वो मंगल लगेगा, इसीलिए एक एक तरह पर नहीं लाख लाख फॉरेनर यहाँ से आएगी, अभी तो आप देख रहा है 200-500 आ गया, यदि लाख लाख फॉरेनर यहाँ से आएगा लाख लाख फॉरेनर आकर यहाँ से परिक्रमा करेगा, जय अच्युत शरणम जय अच्युत शरणम सब पुकार करेगा, अब समय अभी निकल आया, अब खूब शीघ्र चलेगा समय, हर 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 आदमी जारी खाने में अंतर्जातीय स्तर में सब कुछ यहाँ पर निर्माण आएगा, वहाँ पर सचिव का गुणगान करेगा जी, तो बाबा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अमन करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण करते हैं यहाँ मतलब राशि तक पहुँचा है, तो फिर आप सुन रहे थे कल बाबा जी को पान रखें और महान तो अभी हमारे टीम जो है यहाँ पहुँच चुका है यमार नेमार पीठ में, जहाँ उड़िया में लिखा है जय जगन्नाथ मूर्ति चरण स्थित सही जगन्नाथ मूर्ति पद्म बने, तो इसका नाम पद्म बन भी है, पद्म बन यानी जैसे पद्म की जो कली होती है उसको अगर हम पत्ते होते हैं, जबकि 108 जो इसके पत्ते हैं चारों ओर और 20 में जो है इसका केसर है, तो इसी तरह ये है 20 का केसर और इसके चारों ओर जो है 108 स्थान में, ये भी एक मान्यता है, तो फिर आप अभी बिल्कुल हमें देख रहे हैं कि लाइव प्रोग्राम हम दिखा रहे हैं कि अभी शाम के 6 बजने वाला है, अगर आप भी यहाँ आना चाहते हैं तो एड्रेस नोट करिए, आपको आना पड़ेगा उड़ीसा, उड़ीसा से आपको आना पड़ेगा उड़ीसा प्रांत, उड़ीसा प्रांत में भुवनेश्वर जो राजधानी है, भुवनेश्वर से उतरने के बाद आप आएंगे कटक, फिर कटक से आने के बाद आपको जाना पड़ेगा एक स्टॉपेज है उसका नाम है जगतपुर, NH-16 में आएगा जगतपुर, जगतपुर से जब आप गाय आते हैं वहाँ पे लगभग 40 किलोमीटर यात्रा करने के बाद एक स्टॉप जाएगा उसका नाम है निश्चिंत कोई, निश्चिंत कोई से 6 किलोमीटर दूरी पर ये जगह है, हालांकि यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली फैसिलिटीज है और आप अपने व्यक्तिगत वाहन से भी यहाँ पे पहुँच सकते हैं। कैसा लगा आज का ये वीडियो, अगर अच्छा लगा तो वीडियो कीजिए लाइक और कमेंट में लिखिएगा अच्युत सरनाम जय श्री अच्युत जय जगन्नाथ जय पंचायत।